कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छुड़ी हुई थी, उसमें हुलका हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्णव गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्णव गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है वो मेरी पति की लास्ट आखिरी निर्मित थी। वहां 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे भीख, पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे और मेरे सास, मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी FIR लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहो, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरे बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्णव गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्णव जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, हर सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी हुई होती तो ये FIR ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये एक महिला है, अक्षता नाइक। ये अक्षता नाइक का वीडियो है, आज अर्णव की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने जारी किया है। अक्षता नाइक के पति अन्वय नाइक और उनकी सास कुमुद नाइक, इन दो लोगों ने मई के महीने में 2018 में आत्महत्या कर ली थी। इनकी एक कंपनी थी जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती थी, उस कंपनी का नाम था कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 2002 से काम कर रही थी, लेकिन जिस समय इन्होंने आत्महत्या की, इस पर ढेर सारा कर्जा हो गया था। इसमें करीब 1.5 करोड़ के आसपास का कर्जा, बल्कि 5.5 करोड़ का कह लीजिए, बिल्कुल उस समय था जिस समय इन्होंने आत्महत्या की। और जब इन्होंने आत्महत्या की तो उसके समय इन्होंने अपना एक सुसाइड नोट, एक आत्महत्या का जिसे कहिए मरने से पहले का बयान एक तरह से होता है, लेकिन वो मौखिक नहीं होता, लिखित होता है, तो वो नोट भी छोड़ा था। वो भी बरामद हुआ, वो रिकॉर्ड पर है और प्रेस में उस समय रिपोर्ट हुआ था। इस मामले में एक मुकदमा दर्ज हुआ कि करीब उन पर मुकदमे में ये कहा गया उस नोट के हवाले से कि करीब ये 5.5 करोड़ रुपया बकाया करके इन 3 लोगों ने, जिसमें पहला नाम, आप ये नोट आप देखिए स्क्रीन पर, ये सुसाइड नोट स्क्रीन पर है, इसमें पहला ही नाम अर्णव गोस्वामी का है, जिन्होंने इनसे बॉम्बे डाइंग में अपना स्टूडियो बनवाया था, उसका इंटीरियर डेकोरेशन कराया था, और उसमें 83 लाख रुपए का भुगतान इनको नहीं किया था। और ये बेचारे मांग मांग के परेशान थे। एक दूसरे कोई फिरोज शेख थे, उन्होंने भी करीब 4 करोड़ रुपए का बकाया ऐसे ही कर रखा था, काम करा लिया था, सब मुंबई और आसपास के ही है। और एक नितेश शारदा थे, जिन्होंने 55 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया था। इस सुसाइड नोट में इन तीनों का नाम लिखा हुआ है, पहले अर्णव गोस्वामी, फिर फिरोज शेख, फिर नितीश शारदा। और ये भी उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि ये हमारा सुसाइड नोट है, इन लोगों से पैसा वसूल के हमारे जो उधार जिन लोगों का हमारे ऊपर है उनके, उनको अदा कर दिया जाए। ये उसमें साफ साफ अंग्रेजी में लिखा था। अब उनकी मदर ने क्यों सुसाइड किया? ये जो कंपनी है जिस कंपनी में ये उधार हो गया था, कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके दो ही डायरेक्टर थे,
इनकी मां 40% की हिस्सेदार थी और अनवर नायक इसके 60% के हिस्सेदार थे। ये कंपनी 2002 से बनी हुई थी और इसके पहले वर्ष में, आत्महत्या करने वाले के पहले वर्ष में इसने थोड़ा सा प्रॉफिट 12 लाख रुपए का दिखाया था, लेकिन इस पर लाइबिलिटीज थी और ऐसा लगता है कि लाइबिलिटीज को निकालने के क्रम में इन्होंने ऐसे काम पकड़ लिए जहां लोगों ने इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया कि इनसे काम करा लिया और ये पुराने कर्जों को चुकाने के लिए नए कर्जों में और फंस गए और बाद में इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और इन लोगों ने भी पैसा देने में इनको तंग कर दिया, नहीं दिया एक तरह से, और इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा और इन्होंने फिर मृत्यु का वरण कर लिया। इस मामले में इनकी पत्नी यानी अन्वय नायक की पत्नी अक्षता नायक की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था मई में। मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है जो इंडियन एक्सप्रेस की 7 मई की 2018 की है, जो इस खबर का बयान करती है। इस रिपोर्ट में मैंने ये पढ़ा है, ये किसी रश्मि राजपूत ने रिपोर्ट लिखी है और उसमें इस सारी चीज का वर्णन किया है और उसमें पुलिस का भी बयान है कि पुलिस ने कहा कि हमारे पास सुसाइड नोट आ गया है, अब हम इससे जुड़ी हुई चीजों की जांच करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई बनती है, किसके खिलाफ और क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन लोगों के नाम आए हैं उनके कागजों की पड़ताल करेंगे वगैरह वगैरह, जैसा कि किसी भी ऐसे मामले में जिसमें आत्महत्या हुई हो और आत्महत्या का कारण बताया गया हो, किसी को उसका दोषी बताया गया हो, जो कुछ CRPC के तहत प्रशासन को करना चाहिए यानी हमारा जो कानून कायदा है पुलिस को करना चाहिए वो काम शुरू हो गया था। लेकिन उस समय तक BJP की सरकार थी और BJP की सरकार में फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर थे। ऐसा आरोप है इस परिवार का, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आरोप है, वीडियो पर आरोप है कि उस सरकार ने इस मामले में अर्णब गोस्वामी का नाम आने की वजह से ढिलाई बरती, इस मामले को ठंडा कर दिया। अर्णब गोस्वामी के तमाम दूतों ने इन लोगों से संपर्क किया, इनको डराया धमकाया कि आपके करने से कुछ नहीं होगा, आप इस मामले को विड्रॉ कर लीजिए, प्रलोभन भी दिए और डराया भी बहुत किया। ये लोग इस मामले को पीछा करते रहे लेकिन उस समय की सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब ये नई सरकार बनी महाराष्ट्र में तब इन्होंने फिर से पैर भी अपने मामले की शुरू की और वहां के गृहमंत्री ने अब से 3 महीने पहले करीब इस बात की घोषणा की कि इस मामले की CID जांच करेगी, इस मामले की जो भी जहां जिस स्थिति में है वहां से आगे इस मामले की जांच करेगी। पहले इसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया था, इसको फिर से उन्होंने रीओपन करने की घोषणा कर दी। ये बात आज की नहीं है, जैसे मैंने कहा ये पुरानी बात है। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि ये प्रोग्राम हम कर क्यों रहे हैं। आज सुबह जब पूरा विश्व अमरीकी चुनावों को के नतीजों के बारे में चौकस हुआ था और मीडिया में उसकी खबरें आ रही थी, उसी समय ये खबर आई कि अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर में यह था कि उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, उनको पीटा गया है, कुछ इस तरह की बातें थी। उसके बाद उसके वीडियोस वगैरह उनके टेलीविजन चैनल पे चलने लगे, जो उनका अपना चैनल रिपब्लिक TV है, और उसके जरिए देश को और फिर ANI नाम की न्यूज एजेंसी ने भी उसकी खबर दी और देश को पता चला कि दुनिया में इस समय एक अकेली घटना ट्रंप का चुनाव ही नहीं है बल्कि हमारे देश के लिए अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी जाहिर है एक बड़ी खबर थी और उस पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा और आगे यूं बढ़ी कि इस पर तुरंत BJP के तमाम मंत्रियों के, यहां तक कि गृहमंत्री तक के ट्वीट आ गए और उनके तमाम प्रवक्ताओं के ट्वीट आ गए। सब लोगों को प्रेस की आजादी पर खतरा महसूस हुआ। प्रेस से जुड़े भी बहुत सारे लोगों ने इसमें ये कहते हुए कि हम रिपब्लिक TV के और अर्णब गोस्वामी के किस्म की पत्रकारिता से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रेस की आजादी पर इस पुलिस के रवैये को हमला मानते हैं और इसकी उन्होंने आलोचना की। इस तरह एडिटर्स गिल्ड, जो पत्रकारों के संपादकों की सर्वमान्य और सबसे प्रमुख संस्था है, जो काफी लब्ध प्रतिष्ठित है, उसका भी एक विस्तारित बयान इस सिलसिले में आ गया और बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बारे में ट्वीट किए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल भी करना शुरू किया। हम वो दोनों चीजें आपके सामने अभी एक एक करके रखते हैं। तथ्यों की पड़ताल करते हुए हमने ये पाया, ये कहना गलत है कि ये मामला कल या इसी हफ्ते एकाएक पुलिस ने दर्ज कर लिया और अर्णब गोस्वामी को जाके गिरफ्तार कर लिया। ये बात गलत है। ये 2 साल पहले 2017 का मामला है, मई का। ये पिछली सरकार ने इसको
इसके अंजाम तक ठीक से नहीं पहुंचाया था, जांच नहीं की थी, जिन जो शिकायतकर्ता थे वो इससे असंतुष्ट थे और वो शिकायत के तौर पे बने हुए थे शिकायतकर्ता के तौर पर, यानी उसकी पत्नी जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसने सुसाइड किया था, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, वो दोनों इस मामले की पैरवी कर रहे थे। तो ऐसा क्यों किया उस सरकार ने? पहले तो उस फडणवीस सरकार पर ये मामला बनता है कि दो दो लोगों की सुसाइड हुआ है, दो दो लोगों की आत्महत्या हुई है, तथ्य सामने है, सुसाइड नोट उपलब्ध है, नाम उसमें लिखे हुए हैं, ऐसे सीधे सीधे मामले को आपने दरी के नीचे डाल दिया। ये तो लगभग वैसा ही हुआ जैसे उत्तर प्रदेश में उन्नाव में बलात्कार के मामले में एक विधायक को बचाने के लिए योगी सरकार ने क्या क्या नहीं किया था। वो तो तब मामला खुला जब उस विधायक ने मन बढ़ते हुए, पता नहीं उसमें सच क्या निकला या गलत क्या निकला, लेकिन एक दुर्घटना हुई जिसमें अभी तक खैर सीबीआई ये नहीं पता लगा पाई कि उसमें उस विधायक का हाथ है कि नहीं है, लेकिन एक दुर्घटना हुई कि शिकायतकर्ता का पूरा परिवार ही उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। और शिकायत भी ये थी कि उस बलात्कृत हुई लड़की के पिता की थाने में मृत्यु हो गई थी पीट पीट। तो ये सब चीजें सामने नजर आई कि सरकार लीपापोती कर रही है, विभिन्न कोर्ट्स में मामला गया, अल्टीमेटली उसकी जांच हुई और फिर वो विधायक जी अब जेल में है, आप जानते हैं। एक दूसरे बीजेपी के बहुत बड़े नेता और संत को आपने देखा ही कि उनके मामले में राज्य ने क्या क्या किया, कैसे उनको बचाने की कोशिशें की, और अब उस मुकदमे को ही खारिज किए जाने की बात हो रही है। उस लड़की का भी बयान अब बदल गया है जो कंप्लेनेंट थी। तो एक और तो हम ये सब देख रहे हैं, एक पूरी फहरिस्त है कि कैसे देश में दर्जनों पत्रकारों को इस बीच पकड़ा गया है। किसी मंत्री का और तो और सूचना और प्रसारण मंत्री का भी कभी कोई ट्वीट नहीं आया। मैं अभी जरा सा उसका एक डिटेल आपके सामने पढ़ देता हूं। द वायर ने एक लिस्ट बनाई है, अभी अभी उनकी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है। इसमें अभी पिछले दिनों देश में बहुत सारे पत्रकारों को, उसमें कई तो उत्तर प्रदेश के ही मामले हैं और बाकी देश भर के मामले हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है किसी न किसी मामले में। यहाँ जो आप जानते हैं, हाल में एक दलित लड़की का मामला यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुआ था, उस मामले में केरल का एक रिपोर्टर है सिद्दीक कप्पन, उसको आप जानते हैं कि आतंकवाद निरोधक कानून में गिरफ्तार कर लिया है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ कुछ और लोगों को भी उन पर तमाम चार्ज लगाए गए हैं। हमारे देश में कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई, कुछ लिमिटेड लोगों को छोड़कर जिन्होंने इस पर सवाल किए, न एडिटर्स गिल्ड ने या दूसरों ने उस पर उस तरह से तो सवाल नहीं किए, किसी मंत्री ने उस पर प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल नहीं उठाया। इसके पहले आप जानते हैं कि एक किशोर चंद्र वांग खेम नाम के पत्रकार हैं मणिपुर के, इनको जो है अक्टूबर में इसी साल देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर। ये देखिए, ये जो मामले मैं बता रहा हूं इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जिनमें कि पहले से कोई क्रिमिनल मामले चले आ रहे हो या उस समय कोई उन्होंने क्राइम कर दिया हो। ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट पर या आपकी एक राजनीतिक जो भी धारा है उसके विपरीत होने पर ये सब मामले हुए हैं। तो इनको अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया सोशल मीडिया पोस्ट पर। प्रशांत कनौजिया को आप जानते ही हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से वो छूट भी गए थे, अभी हाल में उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली है, करीब एक महीने से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जेल में रहे। उनका क्या है? उनके सिर्फ ट्वीट्स हैं और सोशल मीडिया पोस्ट है, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं, किसी से एक झापड़ के मारपीट या गाली गलौज नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट कड़ी जो भी आप कह सकते हुई होगी उसमें गिरफ्तार हुए। इसमें किसी को हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी केंद्रीय मंत्री या किसी भी राज्य के किसी मंत्री ने या किसी एक एमपी तक ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। एक राजीव शर्मा है, ये आसाम के ये पत्रकार हैं और ये जुलाई 16, 2020 को एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की कंप्लेंट पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। धवल पटेल हैं, ये गुजराती न्यूज पोर्टल के संपादक हैं, इन पर भी देशद्रोह का आरोप लग गया और पिछली मई में इनको इन्होंने अपने पत्रकारिता का कर्म किया था, कुछ लेख लिखा था जिससे असहमत थी सरकार और इनको गिरफ्तार कर लिया। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि दो अलग तरह के मामले हैं। ये सारी लिस्ट उनकी है जो पत्रकारिता का कर्म करते हुए, पत्रकारिता का काम करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री जी जावड़ेकर साहब का कभी कोई ट्वीट नहीं आया। और अर्नब गोस्वामी दो दो लोगों की आत्महत्या के मामले में सुसाइड नोट में नामजद होने की वजह से
दो साल पुराने एक मामले में शिकायतकर्ता द्वारा लगातार पैरवी किए जाने के बाद सीआरपीसी में जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला होता है उसमें गिरफ्तार हुए हैं और पूरा देश हलकान है। नरेश खोहल है, ये फोटो जर्नलिस्ट है हरियाणा के झज्जर के, ये गिरफ्तार किए गए क्योंकि ये पास में इनके कोई स्टोन पेल्टिंग हो रही थी उसकी इन्होंने फोटो वोटो खींच ली थी। एक राहुल कुलकर्णी है, मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट है, एक मराठी न्यूज चैनल एबीपी माझा के हैं, ये अप्रैल में गिरफ्तार हुए थे कि इन्होंने फेक न्यूज चलाई थी। ये सब मैं बता रहा हूं कि पत्रकारिता के कर्म है, जो पत्रकारिता के काम में लगे हुए थे। फेक न्यूज की गलत है, केस बनता है, जेल गए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इन मामलों में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राजीव शर्मा एक दूसरे हैं, सितंबर में दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया कि इन्होंने फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई कमेंट कर दिया था और इससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन हो गया था, ये उन पर गुनाह आयद है। स्वेंग रिंगजिन है एक, ये लेह के करस्पोंडेंट है स्टेट टाइम्स के, ये 5 सितंबर को पकड़े गए, इन्होंने सिर्फ एक कमेंट कर दिया था जो इन्होंने किया नहीं था, बाद में पता लगा, लेकिन अरेस्ट हो गए थे। बीजेपी एमपी के ने इनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की और अरेस्ट हो गए इतनी सी बात पे। और आप देखिए ये इस तरह से एक लिस्ट है 8-9 लोगों की, तो अभी मैंने आपको बता दी तत्काल कि जो पत्रकारिता का काम करने की वजह से जिससे असहमति हो सकती है, असहमति में अगर क्रिमिनल केस बनता है, सीआरपीसी अटैक्ट करती है तो मान भी लिया, लेकिन इस पर हमारे बहुत सारे उन लोगों ने जिन्होंने आज अपनी प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त की है, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और यहां तो पूरे के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, प्रधानमंत्री के अलावा लगभग सबने, राजनाथ सिंह समेत, रक्षा मंत्री समेत, सबने इनके पक्ष में प्रतिक्रिया दी है। और अभी अभी खबर आई है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिनका एक जमाने में अर्णब गोस्वामी उनको अनपढ़ और मूर्ख कह के मजाक उड़ा चुके, उसके वीडियो उपलब्ध हैं, वो भी अर्णब गोस्वामी को लेके प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े हुए हैं। बड़ा अचरज हुआ, उत्तर प्रदेश में कनौजिया और तमाम लोगों को गिरफ्तार करने वाले उन्हीं के राज्य की पुलिस है। तो ये जो अलग तरह का आप देख रहे हैं इस देश में और हमारे जो समाज है उसमें, खासकर जो एक विद्वत समाज है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि उसमें कुछ सापेक्षता होगी, आखिर सीआरपीसी में पुलिस के पास अगर ऐसा मामला है जैसा मामला ये है जो मैंने आपको शुरू में उसके सारे डिटेल्स बता दिए, दो दो लोगों का सुसाइड है, सुसाइड नोट मौजूद है, लेन देन के सारे डिटेल्स जांच में उनके पास होंगे, नहीं होंगे तो कोर्ट उनको अपने आप ठीक करेगी, और अगर वो है तो पुलिस को क्या करना चाहिए। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में पिछले 4.5-4 महीनों से एक सैनिक परिवार की लड़की को आप एक शिकायत पर, जिसमें कोई सुसाइड नोट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई बयान नहीं है, कुछ नहीं है, टेलीविजन चैनल की, इन्हीं महोदय के टेलीविजन चैनल और इस जैसे कुछ चैनलों के आह्वान पर सीबीआई तक सुप्रीम कोर्ट से लग गई, सीबीआई तक ने जांच कर ली और उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन इन चैनलों ने उसका क्या किया। हो सकता है अगर वो सैनिक परिवार न रहा होता, इस तरह से पढ़ा लिखा परिवार न रहा होता और उस लड़की में वो संबल न होता तो हम उससे ज्यादा लोगों का सुसाइड देख रहे होते। इन्होंने तो उसे उस कारण पर पहुंचा दिया था। सच तो ये है कि अगर मैं नहीं हूं उस जगह पर, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि अगर मैं वहां पुलिस अधिकारी होता तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड प्लान करने का पूरा केस रिया के परिवार की ओर से बनना चाहिए और उसमें ये और इस जैसे 2-3 चैनल पकड़े जाने चाहिए। अभी हाई कोर्ट में जमानत लेने के लिए एक दिल्ली के वकील साहब है नौजवान, जो पूरा इस कार्यक्रम में जो रिपब्लिक टीवी कर रहा था इनसे ताल से ताल मिला के सोशल मीडिया पे वही काम कर रहे थे और जो रिपब्लिक टीवी में आता था वो उससे पहले और कई बार उसके बाद इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में चलता था, विभोर आनंद नाम के, वो पकड़े गए, अरेस्ट हुए, वहां उनके ऊपर केस बना, उनके सारे ये मामले जो उन्होंने यहां बताए थे कि ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, अब वो जब अरेस्ट हुए तो कोर्ट में कोई प्रूफ नहीं है। इस रिपब्लिक टीवी ने जो जितना जो कुछ रिया के मामले में, सुशांत के मामले में दुनिया को टीवी पे दिखाया, कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह तुम खुद मौजूद हो, एक तुम्हारे खिलाफ मामले हैं, वहां क्यों नहीं आपने दिखा दिया कि ये सबूत मेरे पास है, या सीबीआई वहां है, सीबीआई को क्यों नहीं दे दिया जो जांच कर रही है।
तो ये सारे सबूत जो है, कथित सबूत, ये सब टेलीविजन पर हाथ चमकाने और वो सब करने के लिए थे, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास ये राइट कहां से आया कि जो काम सीआरपीसी में पुलिस को या जांच एजेंसी को करना है वो आप करने लगे। मीडिया का ये काम कहां से है, ये सीआरपीसी में हमारे देश के संविधान कानून में कहां है? तो जो काम हमारे अर्णब गोस्वामी जी करते रहे हैं, जो जो उन्होंने किया है, वो पत्रकारिता की श्रेणी में कैसे रखा जाएगा? अभी तक जिन जिन कोर्ट्स में उनके इस काम पर बहस हो रही है, खुद उनके मामले में दो बार हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, ये पूछे जाने पर उनके वकील भी इस बात को नहीं साफ कर पाए और कोर्ट्स उससे सहमत नहीं हुई कि वो जो कुछ कर रहे थे वो पत्रकारिता है। बल्कि उन्होंने तो सरकार से, केंद्र सरकार से, जावड़ेकर साहब की मिनिस्ट्री से पूछ लिया है कि आप बताइए कि ये जो ये कर रहे थे आपने क्यों करने दिया, आपने उन टूल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जिनका काम ऐसी चीजों को रोकना है। कानून ने दरअसल ये सवाल पैदा कर दिया है पत्रकारिता के सामने। या तो हमारे एडिटर्स गिल्ड के लोग, हमारे दूसरे सीनियर पत्रकार लोग जिन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया की है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों के डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है। जब आप सीआरपीसी के मामले में बोल रहे हैं तो सीआरपीसी को समझ के बोलिए। यह अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी का साफ साफ मामला है जिसमें तथ्य और सबूत उपलब्ध है, कंप्लेनेंट चीख रही है, टेलीविजन पे मौजूद है, आप उसके यहां तो कभी गए नहीं। इन ये मां बेटी के पास जाने की जिम्मेदारी प्रेस की ज्यादा थी कि नहीं? तो हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अब हम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। ऐसे अगर कोई पत्रकार किसी का कत्ल कर देगा या जिसकी वजह से कोई कत्ल हो जाएगा और उस पर कोई मुकदमा होगा और बाद में वो पत्रकार बनके अपनी सुरक्षा करना चाहेगा, क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? यह एक सवाल है जो इस घटना से उठा है। हम आपके लिए तथ्यों के साथ छोड़े जा रहे हैं, आपकी जो भी राय हो तय करिएगा, हमारा काम है आप तक तथ्य पहुंचाना। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।